यहाँ तक पहुँचाने में जिनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है मुझे, वो मेरी लाइफ के हैं, मेरी लाइफ के सुपर किंग माय फादर बलबीर सिंह पोपली, जिन्होंने बहुत ही सहयोग किया। इसके अलावा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अशफाक सर का और चंद्र बंसोड़े का, जिन्होंने मुझे ये पद से नवाजा। बेसिकली अम्बाला सर, आना तो ऐसे हुआ, एक चमत्कार लगा लीजिए, कुछ लगा लीजिए। अभी 3 साल पहले ही मैं आया था और उसके बाद मेरी एक छोट मूवी थी माँ अनकंडीशनल लव, जो मेरी सुपरहिट मूवी रही और मुझे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। उससे उसके बाद थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो गया यहाँ का सफ़र। और दादा साहब फाल्के फाउंडेशन की बात करूँ तो इन्होंने, मैं पिछले साल मैं इसी एसोसिएशन से मुझे अवार्ड मिला था और इस साल मुझे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 1 साल के अंदर ही मुझे ज्वाइंट सेक्रेटरी का यहाँ पद मिला। इसके लिए मैं स्पेशल तौर पर फाउंडेशन का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे पे भरोसा किया। सर अभी ये तो कुछ कह नहीं सकते, वो कहते हैं ना जहाँ का दाना पानी लिखा हो वहीं जाना है, अभी तो वहाँ नहीं था तो नहीं किया, बाकी यहाँ आके करना लिखा था तो कर रहे हैं सर, अभी भी कर रहे हैं। देखो स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ, स्ट्रगल नहीं कहूँगा मैं, सीखना कहता हूँ, सीखना अभी ख़त्म नहीं हुआ और सीखना ये सारी ज़िंदगी मेरा ख़त्म होने वाला नहीं है, मेरी जस्ट शुरुआत है और ये शुरुआत ही रहेगी। कुछ ना कुछ सीखता रहूँगा, यहाँ 50 साल भी फील्ड में लगा दूंगा तब भी मैं सीखूँगा सर। सर जाते जाते कुछ नहीं कहना चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि जितना प्यार आप लोगों ने दिया इससे बढ़कर दीजिए। मेरी पूजनीय मूवी आ रही है, उसको देखेंगे, तो देखने के बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो उस पर अमल कीजिए। एक देखना और अमल करना में बहुत फ़र्क है, तो जो देखे उस पर अमल करें, क्योंकि पूजनीय मूवी एक मील का पत्थर वाली मूवी है, जो समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है या जो बाबा लोग उल्लू बना के यूथ को ठग रहे हैं, वो बंद होना चाहिए कि हाँ कुछ बाबा लोग। ये पूजनीय मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ, ये मूवी है जो जस्ट एक उस अंधविश्वास के ऊपर है कि कुछ बाबा लोग तांत्रिक लोग कहते हैं कि धागा डाल लो, गले में माला डाल लो, हाथ में ये डाल लो, वो डाल लो, कि कुछ यंत्र तंत्र डाल लो तो आपका बहुत जल्दी आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। बट मुझे नहीं लगता ये ऐसा कुछ होता है, मैं तो खुद 3-4 साल इन बाबा लोगों के चक्करों में रहा, मेरे को कुछ हासिल नहीं हुआ। मैंने जिस दिन से उतारे हैं माला उतारी है, हाथ में से वो धागे वागे उतारे हैं, मुझे उसके बाद फिर कुछ हासिल हो गया है। सर बदलाव, दादा साहब फाल्के फाउंडेशन, देखो ना दादा साहब फाल्के फाउंडेशन ऐसी है, कोई ऐसा नहीं है कि जस्ट न्यू कोई फाउंडेशन है, बहुत पुरानी फाउंडेशन है। और इस फाउंडेशन में मुझे लगता है मुझे एंट्री भी मिल जाती ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती। ये तो फिर मुझे पोस्ट मिली है, बहुत ही बड़ा मेरे लिए एक सपना सच होने वाला बात है। और एक बार फिर मैं थैंक्स अपने पापा का कहना चाहूँगा, श्री बलबीर सिंह पोपली का, जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत एफर्ट किया। उसके बाद अशफाक सर और चंद्र बंसोड़े, जिन्होंने मेरे पर भरोसा करके मुझे इस एसोसिएशन में ये पद दिया। तो बाकी बदलाव की बात है, देखो ये तो सारी टीम मिलके काम करेगी, एक बंदे के हाथ की बात तो होती नहीं है, बाकी कमेटी जो मिलके आगे सुझाव देगी या कुछ देगी, मैं कोशिश यही करूंगा कि उनके साथ हूं मैं, जो भी वो करेंगे 110% अपना देने की कोशिश करूंगा। और एक बार फिर थैंक्स दादा साहब फाल्के फाउंडेशन का, ऑल मेम्बर्स का, और थैंक यू अशफाक सर एंड चंद्र बंसोड़े, जिन्होंने मेरे पर भरोसा जताया कि हाँ कि ये कुछ कर सकता है। तो उनका मैं, उनकी जो भी जिम्मेवारी वो दे रहे हैं मुझे, उनके भरोसे पर खरा उतरते हुए मैं जिम्मेवारी निभाऊंगा और बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।